सागर के कोतवाली थाना क्षेत्र के चक्राघाट के पास हुई अमित दुबे की हत्या का मामला तूल पकड़ने लगा है। शनिवार को प्रेम प्रसारिणी सनाढ्य सभा के बैनर तले ब्राह्मण समाज ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने हत्या के आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग की, साथ ही मृतक की पत्नी को नौकरी दिलाने और परिवार को आवास के साथ आर्थिक मदद दिलाने की मांग रखी है। कुछ दिन पहले चक्राघाट पर अमित दुबे जी की कटर मार के हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में ब्राह्मण समाज ने कुछ दिन पहले एक आवेदन दिया था। शासन ने आश्वासन दिया था कि उसका मकान तोड़ देंगे। आज दिनांक तक आरोपियों का मकान तोड़ा नहीं गया। शासन ने आश्वासन दिया था पीड़ित लड़की के लिए कोई आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी एवं उसे कोई शासकीय नौकरी दी जाएगी। अभी तक पीड़ित परिवार के लिए ना कोई मकान की व्यवस्था की गई है, ना बच्ची के लिए कोई शासकीय सर्विस की व्यवस्था की गई है और मुख्यतः उन आरोपियों के मकान नहीं ढहाए गए हैं। तो आज पूरी ब्राह्मण समाज ने आवेदन दिया है, अगर 7 दिन में अगर शासन उनका मकान नहीं गिराती तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हैं।